हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशी क्राफ्टशाला। तो हमने जो टैसेल वाला जो कर्टन बनाया था वो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम पॉम्पॉम वाला बनाएं, क्योंकि पॉम्पॉम मेरे यहाँ बेबी को बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसी कारण से मैंने ये पॉम्पॉम वाला बनाया है। मैंने सोचा है कि एक ही कलर में ना बनाकर हम इसको भी मल्टी कलर में बनाते हैं। तो मेरे पास जितने भी छोटे छोटे ऊन बचे हुए हैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट से, उसका भी यूज़ हो जाएगा और कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा बनेगा और बहुत सुंदर लगेगा। सिंगल कलर से ऐसा हो जाता है कि भाई पॉम्पॉम अपन बनाए लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है ऐसा लगता है। तो मल्टी कलर से क्या रहता है कि वो एक अलग से वाइब आता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इस थीम में मैंने ये वाला जो कर्टन है वो बनाया है। तो अगर आपको पॉम्पॉम बनाना आता है तो आप ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक टिप बताना चाहूँगी। अगर आप पॉम्पॉम बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप वो पॉम्पॉम परफेक्ट बने, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ऊन ज़्यादा बार टर्न करना है, ज़्यादा बार राउंड करना है। और अगर मोटा ऊन है तो आपको कम लगेगा, और अगर पतला ऊन है तो आपको और ज़्यादा लगेगा। मोस्टली जो एक मिनिमम 1 इंच के आसपास जो हमने बनाना रहता है पॉम्पॉम, उसके लिए 60 राउंड इनफ रहता है, और उससे ज़्यादा अगर हमको बनाना है 2 इंच तो 120 इसके आसपास का राउंड सफिशियंट रहता है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, और ध्यान रखिएगा आपको किनारों को बहुत अच्छे से ट्रिम करना है, उसको बहुत अच्छे से एक राउंड शेप देना है, तो इससे आपका पॉम्पॉम बहुत ही प्यारा बनेगा। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने ये अपना पॉम्पॉम एक कम्प्लीट कर लिया है। ये मैंने ऑरेंज कलर का बनाया है, और ये देखिए ये बहुत ही प्यारा है। मुझे ऐसा लगा कि अब कम्प्लीट ही होने वाला है, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे और दिख जाते हैं जिससे ऐसा लग जाता है कि कुछ और थोड़ा सा इसको शेप दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत सारा ऑरेंज कलर का, और मैं आपको अब मल्टी कलर में दिखाती हूँ कि देखिए मैंने इस टोटल में कौन कौन से कलर यूज़ किए हैं कर्टन में। ये रहा आपका बहुत सारा मल्टी कलर पॉम्पॉम। अब हम बनाएंगे फ्लावर। मैं सोची एक बार हम टैसल बनाकर यूज़ करते हैं नीचे वाला पोर्शन में, फिर सोचा कि कुछ नया किया जाए। तो ये आया ध्यान में कि ये बिना क्रोशिए का है, तो ऐसा वाला फ्लावर कुछ बना सकते हैं। और इसमें बेनिफिट ये भी है कि आप चाहें तो आप ग्लूगन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ग्लूगन तो हमारे पास ऑप्शन है, अनदर ऑप्शन इस भी धागा जो फॉरेवर ग्रीन है, जो सबके घर में होता है। तो किसी को सोचने का ज़रूरत ही नहीं कि ये फ्लावर बन पाएगा उनसे या नहीं बन पाएगा। लेकिन हमने इसमें टैसल भी थोड़ा सा यूज़ किया है येलो कलर का, तो आप देखते जाइएगा कि ये बन कर कैसे रेडी हुआ है। ये वाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। आप चाहें तो कोई भी कलर के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो जितने भी लड़ियां हैं उसमें आप अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसको मल्टी कलर में बना रहे हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा मेरे घर के अकॉर्डिंग, तो इस कारण से मैंने ये कलर यूज़ किया है। और जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि अपन का जो टैसल रहता है उसको ऊपर से अच्छे से टाई करना, तो सेम इसमें भी लागू होता है कि जो हमारा फ्लावर बना रहे हैं उसमें हमको ऊपर से पोर्शन को अच्छे से टाई करना है, ताकि वो बहुत अच्छे से सिक्योर रहे, निकले ना। और ये हमारा येलो वाला पोर्शन बनकर रेडी हो रहा है। इसको मैंने 25 टाइम्स राउंड किया है। आप चाहें तो इसको रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, जैसे आपका घर का थीम है वैसा जा सकता है। ये पूरा चॉइस आपके ऊपर में है कि आप इसको कैसा यूज़ करना चाहेंगे। और आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा कलर का पॉम्पॉम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कि फ्लावर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो फ्लावर बहुत अच्छा लगा, और ये पर्सनल बायस हो जाता है कि मुझे ये अच्छा क्यों लग रहा है और आपको कौन सा वाला अच्छा लगेगा। तो मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कॉमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छे लगता है, और मैं रिप्लाई देने का कोशिश भी करती हूँ जितना कमेंट्स आता है उसके हिसाब से, अगर मेरे पास टाइम है तो। और ये देखिए हमारा बहुत सारा बनकर रेडी है। अब देखिए हमको दोनों को सिलना ही है। तो मैंने जैसे कहा था, आपके पास ग्लू गन नहीं है तो सुई धागा फॉरएवर रेडी है, हमेशा के लिए सबके घर में होता है। ये देखिए फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो गया है, और ये देखिए बहुत सारा
अब हमको इसको सिलना है कुछ इस तरीके से। इसमें देखिए जो टैसल दिख रहा है उसको मैंने 10 times राउंड करके बनाया है। अगर आपको टैसल बनाना नहीं आता है तो मेरे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप सर्च करेंगे यश की क्राफ्टशाला टैसल मेकिंग तो वो वीडियो आ जाएंगे। मैंने मल्टी कलर में और सिंगल कलर में छोटू बड़ू सभी टाइप के टैसल बनाए हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक फ्लावर और एक टैसल यूज़ किया है, ऐसे बाकी को भी कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बनकर रेडी है और तीनों को हमको टाइटली गठबंधन कर देना है तीनों फ्रंट, ताकि अलग अलग ना हो, तीनों फ्रंट एक साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरीके से, और जो भी हमको एक्स्ट्रा वूल है इसको कट कर देना है। तो ये देखिए ये एक बन गया और ऐसे ही मैंने ये और बनाए हैं, और मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे बनाए हैं। इस टोटल जो हमने कर्टन में 11 जो हैंगिंग्स है वो यूज़ किए हैं। तो ये देखिए मैंने जो गोल्डन कलर की मोतियाँ रहती है वो यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो भी कलर का मोती है वो यूज़ कर सकते हैं, सभी के साथ बहुत ही प्यारा लगता है ये, क्योंकि मल्टी कलर है तो इसके साथ आपका वाइट पर्ल्स भी जाएगा, गोल्डन भी जाएगा, पिंक रेड जो भी है सभी चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे मैंने दो गोल्डन मूर्ति के बाद में एक ये पॉम्पम यूज़ किया है, उसके बाद फिर से मैं दो मोतियाँ यूज़ करूँगी कुछ इस तरीके से। आप जो पॉम्पम यूज़ करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कॉन्ट्रास्ट के साथ जाएं, एक डार्क कलर एक लाइट कलर। जैसे देखिए ब्लू के बाद मैंने येलो यूज़ किया है, ऐसे अब येलो थोड़ा सा लाइट है तो उसके बाद मैंने मरून यूज़ किया है, मरून थोड़ा सा डार्क है। इसके बाद हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे चलो बताइए आप कमेंट कीजिए इसके आगे देखे बिना तो मूर्ति मैंने डाल दिया है। और ये देखो मैं कौन सा कलर यूज़ करूँगी, वाइट। वाइट के बाद मैं यूज़ करूँगी, आप बताओ कौन सा कलर यूज़ करेंगे। ये रहा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद हम डालेंगे ये लाइट कलर, उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे पिंक कलर, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट अलग ही जा रहा है। लाइट ग्रीन है और ये पिंक कलर है, पता नहीं ये कैमरे में कौन सा कलर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये लाइट ग्रीन कलर था। तो ये देखिए मैंने इतने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। पीछे का भी नज़ारा देखिए, बरसात में पीछे का माहौल कितना खूबसूरत हो गया है। जहाँ पर का हमारा जो रूम है उसके पीछे से ये हमारे बेडरूम से दिखाई देता है, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखने से। अब इन सबको हम हैंग किस में करें, तो फॉरएवर छोटी रेडी है। अगर आपको छोटी बनाना आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो मेरे साथ बने रहें। तो देखिए बहुत बड़ा छोटी हमको बनाना है, क्योंकि मेरे हॉल का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है तो उसके हिसाब से, तो जब ऊन लंबा हो जाता है तो कुछ इस तरीके से फंसने का चांसेस रहता है, इस कारण से मैंने कुछ इस तरीके से इसको बांध दिया है। जैसे मैंने वाइट को किया है वैसे बाकी दोनों कलर को मैं करूँगी। वाइट थोड़ा सा पतला है इस कारण से मुझे ज़्यादा इसका जो धागा रहता है उसको लेना पड़ता है, लेकिन बाकी कलर जो है वो थोड़ा सा मोटा है तो उसको मेरे को कम लेना पड़ता है। मोस्टली मैंने इसमें जो ब्लू कलर और ऑरेंज कलर है वो मैंने 11 मुलन थ्रेड लिए हैं, और वाइट मैंने ज़्यादा लिया है, वो उसी के बराबर में आ जाए मोटाई इसी हिसाब से मैंने लिया है। और देखिए ऐसे छोटी गुत्ते जाना है, और जब भी बढ़ाना रहे हम बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए आपको अगर छोटी गुतने आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो किसी और से गुतवा लीजिएगा छोटी जिसको आता है। और लास्ट एंड को कुछ इस तरीके से टाइटली बांध देंगे हम, और ये देखिए ऐसे ये गया और ये दूसरा नॉट, और जो दोनों एंड के एक्स्ट्रा वूल हैं उन सबको कट कर लेंगे, नीट एंड टाइडी बना लेंगे। और ये हमारा बनकर रेडी हो गया है हैंगिंग के लिए मेन बेस, और अब हम इसमें अपने लटकनों को सिलते जाएंगे। ये देखिए मैंने इतना लंबा बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपको छोटू सा बनाना है तोरण के रूप में तो आप तोरण के रूप में भी ऐसे बना सकते हैं। मैंने टोटल कर्टेन के रूप में बनाया है, तो एक हॉल में से दूसरे हॉल जाने में एक सेमी शेडेड कर्टेन जैसे बन जाता है, और यकीन मानिए आप कि ये बहुत ही प्यारा लगता है। आपको ऐसे देखने में लगता होगा कि क्या ही है ये, उतना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे करके, लेकिन मेरे घर में जो भी आते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, हर
जितने भी मैंने अभी तक से जो कर्टेन बनाए हैं वुलन वाले, सभी बहुत प्यारे लगते हैं, सब ने तारीफ़ किया है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये देखिए, हमारा पूरा बनकर रेडी हो गया है और ये रहा आपका फाइनल लुक। और मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आपको। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि इसमें मेरी मेहनत है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो मुझे लाइक करके ये बताइएगा कि कैसा लगा है, और कमेंट्स कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।